तो यहाँ पर अगर आप Redmi 8A डुअल डिवाइस के यूज़र हो तो आज का ये वाला वीडियो आप Redmi 8A डुअल यूज़र्स के लिए भाई बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट एंड बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे इंडिया पे न्यू अपडेट Redmi 8A डुअल डिवाइस पे कब आएगा, कौन से वर्जन में आएगा, अपडेट का साइज़ क्या होगा, एंड न्यू अपडेट के बाद Redmi 8A डुअल डिवाइस पे इंडिया पे आपको क्या क्या नए फीचर्स देखने को मिलेगा Xiaomi की तरफ से। तो आज की वीडियो को दोस्तों आप लास्ट तक देखना। पर भाई उससे पहले चैनल पे नहीं आ रहे हो और Redmi के 8A डुअल डिवाइस को आप यूज़ करते हो तो भाई फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि फ्यूचर पे Redmi 8A डुअल डिवाइस पे इंडिया पे Xiaomi जो भी अपडेट रिलीज़ करेगा उसका वीडियो आपको सबसे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपका भाई का एक छोटा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को उसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल उसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर एंड ग्रुप पर ज्वाइन कर लो, क्योंकि Redmi 8A डुअल डिवाइस पर इंडिया पर जो भी अपडेट Xiaomi यहाँ पर रिलीज़ करेगा उस अपडेट का ऑफिशियल OTA डाउनलोड लिंक्स यानी सारे डाउनलोड लिंक्स एंड अपडेट के सारे यहाँ पर ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पे एंड दोस्तों उसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा यार, प्लीज़ ज्वाइन कर लेना। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं Redmi 8A डुअल डिवाइस पे इंडिया पे जो न्यू अपडेट आएगा, अपडेट का वर्जन होने वाला है MIUI 12.5.7.0। जी हाँ, MIUI 12.5.7.0 वर्जन के दौरान इंडिया पे Redmi 8A डुअल पे न्यू अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट होगा, जो एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात हो जाता है। आप दोस्तों बात करते हैं जो न्यू अपडेट मिलेगा वो क्या MIUI 12.5 एनहांस का होगा या फिर नहीं होगा। तो दोस्तों देखो नेक्स्ट अपडेट जो मिलेगा वो संपूर्ण यहाँ पर Xiaomi के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग MIUI 12.5 एनहांस एडिशन का अपडेट देंगे या फिर नॉर्मल सिक्योरिटी पैच का अपडेट देंगे यहाँ पर MIUI 12.5.7.0 वर्जन के दौरान Redmi 8A डुअल डिवाइस के अंदर। तो Xiaomi यहाँ पर ठीक करेगा कि वो लोग कौन सा अपडेट देंगे, नॉर्मल अपडेट देंगे या फिर MIUI 12.5 एनहांस एडिशन का अपडेट देंगे। तो आप बात करते हैं अपडेट का साइज़ क्या होने वाला है जो न्यू अपडेट इंडिया पर Redmi 8A डुअल डिवाइस के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर 500 से लेकर 600 MB का अंदर, जी हाँ 500 MB से लेकर 600 MB का अंदर यानी मीडियम साइज़ का अपडेट यहाँ पर होने वाला है। 500 से लेकर 600 MB के अंदर एक मीडियम साइज़ का अपडेट देखने को मिलने वाला है यहाँ पर इंडिया पे Redmi 8A डुअल डिवाइस के लिए। आप जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये जो न्यू अपडेट इंडिया पे आएगा Redmi 8A डुअल डिवाइस के अंदर वो कब मिलेगा। जी हाँ, आपके मन में ये सवाल आएगा कब तक वो इंडिया पे देखने को मिलेगा। तो अभी आपको पता ही होगा अभी ये जून महीना चल रहा है तो नेक्स्ट महीने के एंड तक आपको वेट करना है। जी हाँ, जुलाई महीने के एंड तक आपको वेट करना है, जुलाई महीने के एंड तक इंडिया पे आपको MIUI 12.5.7.0 वर्जन के दौरान इंडिया पे Redmi 8A डुअल डिवाइस के लिए एक और नया अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। तो जुलाई महीने के एंड तक आपको वेट करना है, यहाँ पर आपको ज़्यादा देर तक वेट नहीं करना है Redmi 8A डुअल के न्यू अपडेट के लिए। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, MIUI 12.5.7.0 न्यू अपडेट के बाद इंडिया पे Redmi 8A डुअल डिवाइस पे आपको Xiaomi की तरफ से क्या क्या नए फीचर्स देखने को मिलेगा। तो भाई सिस्टम पे आपको सबसे पहले मिलेगा अपडेटेड एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच, तो जुलाई 2022। जी हाँ, इसमें MIUI 12.5.7.0 नया अपडेट के बाद आपको जुलाई महीने का लेटेस्ट एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको जुलाई महीने के अंदर अपडेट मिलेगा इसलिए आपको जुलाई महीने का लेटेस्ट एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच देखने को मिलेगा MIUI 12.5.7.0 न्यू अपडेट के बाद आपके Redmi 8A डुअल डिवाइस के अंदर। उसके बाद इंक्रीज सिस्टम सिक्योरिटी, तो इस न्यू अपडेट के बाद आपके Redmi 8A डुअल डिवाइस का जो सिस्टम का सिक्योरिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव एंड इंक्रीज कर दिया जाएगा। उसके बाद एक और मेन फीचर है सिस्टम पे ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस। जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फीचर है आप Redmi 8A डुअल यूज़र्स के लिए, क्योंकि MIUI 12.5.7.0 नए अपडेट के बाद Redmi 8A डुअल डिवाइस के अंदर जो लैग इशू था उसको फिक्स कर दिया जाएगा, यानी आपका डिवाइस का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है एंड ओवरऑल स्मूथनेस है उसको बढ़ा दिया जाएगा। यानी इस पर्टिकुलर MIUI 12.5.7.0 नए अपडेट को आने के बाद आपकी Redmi 8A डुअल डिवाइस के अंदर आपको अच्छा स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। आपकी डिवाइस को अपडेट करने के बाद जब आप यूज़ करोगे तो आपको स्मूथ एंड अच्छा बेटर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, यानी आपका डिवाइस का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है स्मूथनेस है उसको बढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद और कोई फीचर्स की बात करें तो अभी भी बहुत सारे लोग के Redmi 8A डुअल डिवाइस के अंदर
बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम देखने को मिलता है, यानी यार जो बैटरी है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, बैटरी ज़्यादा देर तक नहीं चलता है। तो MIUI 12.5.7.0 न्यू अपडेट के बाद Redmi 8A Dual डिवाइस का जो बैटरी परफॉर्मेंस है उसको भी इम्प्रूव कर दिया जाएगा। जी हाँ, Redmi 8A Dual डिवाइस के अंदर इस MIUI 12.5.7.0 न्यू अपडेट करने के बाद बैटरी आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा, यानी आपको बैटरी परफॉर्मेंस पहले के मुकाबले बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। आपको एक दिन कम से कम बैटरी चल जाएगा इस अपडेट करने के बाद, क्योंकि MIUI 12.5 एनहांस एडिशन का अपडेट हो सकता है। तो अगर MIUI 12.5 एनहांस एडिशन का अपडेट होगा तो बैटरी परफॉर्मेंस, बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया जाएगा, आपको अच्छा बैटरी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर बहुत से लोग अभी भी Redmi 8A Dual डिवाइस पे थोड़ा बहुत गेम प्ले करते हैं, कोई फ्री फायर खेलता है, कोई पबजी लाइट खेलता है, थोड़ा बहुत गेम प्ले करता है, तो गेमिंग परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव कर दिया जाएगा इस अपडेट के बाद। जी हाँ, MIUI 12.5.7.0 न्यू अपडेट के बाद Redmi 8A Dual डिवाइस का जो गेमिंग परफॉर्मेंस है उसको भी इम्प्रूव कर दिया जाएगा, यानी इस अपडेट को करने के बाद आपको गेम खेलने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपके Redmi 8A Dual डिवाइस के अंदर, क्योंकि लैग इसको फिक्स कर दिया जाएगा एंड यहाँ पर फ्रेम रेट अच्छा चलेगा, यानी गेम आपका एकदम स्मूथ चलने वाला है। वो फ्री फायर हो या फिर पबजी लाइट हो, कोई भी गेम हो सकता है, तो एकदम गेम जो है वो स्मूथ चलने वाला है। MIUI 12.5.7.0 न्यू अपडेट के बाद आपके Redmi 8A Dual डिवाइस के अंदर तो जो जो फीचर्स आपको मिलने वाला है वो मैंने सब कुछ बता दिया आपको, और कोई फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलने वाला है आपके Redmi 8A Dual डिवाइस के अंदर। और एक फीचर है भाई, अगर आपको MIUI 12.5 एनहांस का अपडेट मिलता है तो यहाँ पर मेमोरी एक्सटेंशन या फिर रैम एक्सटेंशन कोई भी आप बोल सकते हो, वो फीचर आपको मे भी यहाँ पर अपडेट के बाद Redmi 8A Dual डिवाइस के अंदर मिल सकता है। तो वो तो यहाँ पर संपूर्ण Xiaomi के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग MIUI 12.5 एनहांस एडिशन का अपडेट देंगे या फिर सिर्फ नॉर्मल सिक्योरिटी पैच का अपडेट देंगे Redmi 8A Dual डिवाइस के अंदर। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे Redmi 8A Dual डिवाइस पे इंडिया पे कब तक न्यू अपडेट आएगा, कौन से भारत में आएगा, अपडेट का साइज़ क्या होगा, एंड इस न्यू अपडेट के बाद आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेगा आपके Redmi 8A Dual डिवाइस के अंदर। तो दोस्तों आज की वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक पर हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और आपकी दोस्त के पास अगर Redmi 8A Dual डिवाइस है तो ये वाला वीडियो ज़रूर से आप शेयर कर देना आपके दोस्त के पास, ताकि आपके दोस्त को भी Redmi 8A Dual डिवाइस के रिगार्डिंग सारे इन्फॉर्मेशन पता चल जाए। क्योंकि भाई यहाँ पर काफ़ी टाइम हो चुका है Redmi 8A Dual डिवाइस को कोई भी अपडेट Xiaomi ने यहाँ पर इंडिया पर रोल आउट नहीं किया है। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर पर Redmi 8A Dual डिवाइस पर MIUI 13 के साथ अपडेट भी आने वाला है, कोई नया अपडेट भी आने वाला है, सिक्योरिटी पैच का अपडेट भी आने वाला है, पर यहाँ पर MIUI 13 का अपडेट भी आने वाला है। तो उसका भी वीडियो आपको सबसे पहले हमारे YouTube चैनल पर देखने को मिल जाएगा, ताकि आप वीडियो को मिस ना करो, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो फिलहाल दोस्तों आज का वीडियो बस यार इतना ही।